टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कालशेखर हॉस्पिटल के पास यानी कि वाई जंक्शन के नज़दीक ही आज दारुल रहमत ट्रस्ट के तरफ से नॉलेज हब इंटरनेशनल CBSE स्कूल का उद्घाटन किया गया। इसी CBSE स्कूल का उद्घाटन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने किया है। इस दौरान सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान, शानू पठान, सुधीर भगत और DRT यानी कि दारुल रहमत ट्रस्ट के अहमद इशहाक मकलाई साहब, अब्दुल सलाम रावल और फरीद अली मोहम्मद जलीवाला और भी ऐसे अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। मुमरा में पहला CBSE स्कूल खोला गया है और मुमरा शहर के कई स्टूडेंट जो मुमरा शहर से बाहर जाकर पढ़ाई किया करते थे, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में नॉलेज हब इंटरनेशनल CBSE स्कूल मुमरा में खुलने से मुमरा को एक बड़ी उपलब्धि मिल गई है। उद्घाटन के बाद दारुल रहमत ट्रस्ट के अहमद इशहाक मकलाई साहब ने इस स्कूल के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है और इस स्कूल की प्रिंसिपल शाहीन शेख ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज यहाँ पर ऐसा था कि ये हमारी CBSE स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर मुकम्मल हो गई और इसका इनॉग्रेशन आज रखा गया था, जिसका उद्घाटन हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आभाट साहब ने किया। और ये स्कूल बस इंशाल्लाह मुमरा कौसा के लिए भाई से बरकत होगा, भाई से रहमत होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इसमें अच्छे बच्चे पढ़े, तालीम हासिल करें और दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल करें। कल से करके बहुत सारे इदारे चल रहे हैं, वैसे भी तो कैसे जहन में आया कि यहाँ पर यह कायम किया जाए? आप नहीं देखिए, ये कालशेखर से दारुल रहमत ट्रस्ट से कोई वो नहीं है। कालशेखर ट्रस्ट ने इस बिल्ड ये जो है ये पूरा खालिस दारुल रहमत ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी हुई है। दारुल रहमत ट्रस्ट के ये खराजात से पूरी बिल्डिंग बनी है, इसमें कालशेखर का कोई कैसे जहन में आया कि यहाँ CBSE बोर्ड कायम किया जाए? ये कि काफ़ी लोगों का डिमांड भी था और यहाँ पर हमारे रफीक भाई कुट्टी वगैरह और दूसरे लोग हैं जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये कि सुबह 7 बजे कम से कम 15-20 बसेस जो है यहाँ से पनवेल, कलवा, इधर उधर CBSE दूसरी स्कूलें हैं वहाँ जाती है और हमारे बच्चे महरूम हैं। कितने बच्चे स्कूल की बस का भी खर्चा करते हैं, फीस भी भरते हैं, तो हमने सोचा कि चलिए अब ज़मीन भी है हमारे पास तो इसके ऊपर ये तामीर कर लें। जी, मेरा नाम शाहीन समीर शेख है, मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल हूँ। CBSE स्कूल जो न्यू CBSE स्कूल है हमारा, इस्टेब्लिशन एंड इसके मतलब जो भी चीज़ें हैं, जिम्मेदारी चीज़ें वो सारी जिम्मेदार मैं ही हूँ यहाँ। तो आप पहले कहाँ पढ़ाती थी और अभी यहाँ पे क्या हिसाब से एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों? मैं पहले पूना में पढ़ा चुकी हूँ, 22 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस रहा है एंड यहाँ पे बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक यूनिक चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी बच्चों को कि बुक्स के ताल्लुकात से ही नहीं बल्कि बच्चों को लाइफ जो बुक्स में है उसको किस तरह से वो खुद एक प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसको किस तरह से वो बनाकर वो खुद से उसको सीखेंगे और उसके जवाब देंगे। अभी ये तो एडमिशन शुरू होने वाला है, स्कूल शुरू होने वाला है या अभी लॉकडाउन का इंतज़ार होगा? जी नहीं, स्कूल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी है और बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। तो CBSE में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके का आपका मैसेज रहेगा? डेफिनेटली बच्चों पेरेंट्स का मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स CBSE स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। एक बच्चों की अलग मेंटेलिटी होती है, वे ऑफ टीचिंग लर्निंग डिफरेंट होता है, बच्चा खुद से सीखता है और खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और बच्चों की जो कैपेसिटी लेवल होती है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट में होती है। तो मैं चाहूँगी कि हर एक पेरेंट जो है वो सोचना चाहिए कि CBSE जिस तरह से हम समझते जिस तरह से पेरेंट्स समझते हैं कि CBSE एक डिफ़िकल्ट बोर्ड है और बच्चे कोप अप नहीं कर पाते और पेरेंट्स को उसमें उन लोगों का साथ देना पड़ता है, तो ऐसे नहीं होता है। CBSE में 80% पोर्शन जो है सिलेबस है वो स्कूल में जब बच्चा लर्न करता है टीचर के साथ वो खुद सीखता है और वो खुद पढ़ाई करता है। तो ये जो है मिसकंसेप्ट पेरेंट्स का कि ये बोर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। पेरेंट्स इनफैक्ट ये बोर्ड के लिए जाना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो CBSE बोर्ड में रहे ताकि वो बच्चा खुद से सीखे और आने वाले जो हमारी जो न्यू एजुकेशन है, न्यू ट्रेंड जो चल रही है एजुकेशन में, पेडागोजिकल लर्निंग है, पेडागोजिकल लर्निंग जो दी जा रही है आजकल स्कूल्स में, वो सारी चीज़ें बच्चों को मिलती रहे।